नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नए और जबरदस्त तरीके से उड़द दाल रेसिपी। ज्यादातर दालें सभी के घरों में बनती हैं और आप भी कई तरीके से दाल को बनाते होंगे, लेकिन आज हम जिस तरीके से उड़द दाल रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा और जो हम इसमें चीजें डालेंगे उससे इसका स्वाद काफी बढ़ जाएगा। जो दाल नहीं भी खाते होंगे वो इसे बहुत टेस्ट से खाएंगे और बार बार बनाने की मांग करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। इसे आप खास मौकों पर भी बनाएंगे तो सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने दाल ले ली है। ये जो मैंने दाल ली है ना, मैंने उड़द छिलका दाल ली है, जो काली वाली होती है ना उड़द छिलका दाल, मैंने वो ली है। और ये ग्राम के हिसाब से मैंने 200 ग्राम के करीब दाल ली है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, एक साफ सा किचन टॉवल लेना है। आप कोई भी साफ कपड़ा ले लें, उस पे ये दाल को डालें और इस दाल को हमने अच्छे से पोंछना है। जो इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पाउडर होता है ना दाल का, वो इससे साफ हो जाएगा। अच्छे से पोंछ ले दाल को। देखिए दाल को हमने बहुत अच्छे से पोंछ लिया है। अब मैंने लिया है कुकर, गैस ऑन कर ली है। मैं इसमें इस दाल को डाल दूंगी। गैस को करूंगी मैं मीडियम। इसको हमने थोड़ा सा भूनना है, ज्यादा तेज गैस पे नहीं भूनना, मीडियम गैस पे भूनना है। अभी ना तो मैंने इसमें कोई मसाला डाला है ना ही मैंने ऑयल डालना है। ये हो गई है, इसे करने में हमारे 4 से 5 मिनट लगेंगे। इसमें हमने कलर नहीं लाना है, सिर्फ इसे 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। अब डालेंगे इसमें पानी। मैं इसमें 2 ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद हमने गैस को कर देना मीडियम और इसका ढक्कन लगा देना है। इस पे हमने 3 से 4 विसल दिलानी है मीडियम गैस पर और कुकर को बिल्कुल ठंडा करके खोलना है। दाल को 4 विसल दिला दी थी, कुकर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले हम चेक कर लेंगे दाल अच्छे से पक चुकी है। हाँ, जो दाल है ना बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब मैं ले लूंगी एक घोटना, जिससे हम साग वगैरह घोटते हैं ना, मैं वो ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कड़छी से भी घोट सकते हैं। इसे थोड़ा सा घोट ले दाल को। गैस मैंने बंद करी हुई है, खोली नहीं हुई है। इकट्ठे करते हुए हमने थोड़ा थोड़ा, आप देख पा रहे होंगे पहले दाल कैसी थी अब कैसी है, हमने घोट लिया है इसे। इसको अभी हम साइड में रख देंगे और लेंगे एक कढ़ाई, गैस ऑन करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसे गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग, 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ काली वाली सरसों, 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें जीरा। पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से चला देंगे, इनका एक फ्लेवर आ जाए। ये हो गया। मैंने ली थी एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको बारीक काट लिया था वो डाल रही हूँ। प्याज के साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें कुछ कड़ी पत्ते, मैंने फ्रेश कड़ी पत्ते लिए थे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 15 से 20 डाल रही हूँ। प्याज को हमने भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए प्याज हमारी हो गई है। अब डालेंगे कुछ मसाले। 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, ये कम तीखी वाली लाल मिर्ची है मैं उसका यूज कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। पहले इन सब चीजों को मिक्स कर दें। ये हो गया। मैंने लिया था एक टमाटर, उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया था वो डाल रही हूँ। इसको भी मिक्स करते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे टमाटर को। मैं ले रही हूँ एक मिक्सी का जार, जिसमें मैं डाल रही हूँ 5 से 7 कलियां लहसुन की, जिनको मैंने छील लिया था। थोड़ा सा लिया था मैंने अदरक का टुकड़ा, उसे भी रफली चॉप कर लिया है। मैंने ली थी 3 हरी मिर्ची, उसे भी रफली चॉप कर लिया है। मिर्ची कम ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं।
और थोड़ा सा लिया था हरा धनिया, इसकी बड़ी बड़ी डंडियों को हटा दिया है, छोटी छोटी डंडियां ली है, अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके साथ मैंने लिया है कुछ खास चीज, वो है फ्रेश नारियल। ये मैंने फ्रेश नारियल लिए है, इसे मैंने रफली चॉप किया है, इसकी जगह आप सूखा नारियल भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीजों को मैं मिक्सी में पीस कर तैयार कर लूंगी। देखिए इसे हमने पीस लिया है, इसके पीसने में थोड़ा सा पानी लगा है 5 टेबलस्पून के करीब। जो टमाटर हैं वो भी काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब जो हमने पेस्ट तैयार किया है ना वो इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा क्रीमी टेस्ट आता है दाल में। थोड़ा सा मैं जार में पानी भी डाल रही हूँ, उसमें पेस्ट लगा हुआ है, थोड़ा सा ही डालना है। अच्छे से मिक्स करते हुए इसे 2 मिनट के लिए पका लें मीडियम गैस पर। 2 मिनट तक हमने इसको भी अच्छे से पका लिया है। अब इसके स्वाद और टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। इन दोनों चीजों को भी मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो गया, अब जो हमने दाल उबाली थी ना वो इसमें डाल देंगे। दाल डालने के बाद आपको जितनी पतली दाल रखनी है ना उतना ही आप पानी डालें। मैं इसमें 1 ग्लास भर कर पानी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करते हुए 1 उबाल आने देंगे। ये उबाल आ गया, अब गैस को कर देंगे लो मीडियम और इसको ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले इसे हम थोड़ा सा चला देंगे। आप देख पा रहे होंगे जो दाल है ना वो बहुत अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। वैसे तो ये दाल बनकर तैयार है, लेकिन मैंने लिया था 1 बड़ा चम्मच देसी घी, उसमें डाला था 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून डाली थी कश्मीरी लाल मिर्ची, उसका एक छौंक तैयार कर लिया था, वो मैं डाल रही हूँ फैलाते हुए इस दाल में, इससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद है आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।